मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चले गुड मॉर्निंग की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से है। बीजेपी की आज बड़ी बैठक होगी, मोहन यादव बैठक में शामिल होने वाले हैं और मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद ये पहली बैठक उनकी होगी। तो बता दें कि कल मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है जम्बूरी या फिर लाल परेड मैदान में, यह समारोह हो सकता है। तो बता दें कि मध्य प्रदेश के 18वें सीएम के रूप में उनके चेहरे पर मुहर लगी है। बीते दिन विधायक दल की बैठक थी जिसमें मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बना दिया गया है। उनके मध्य प्रदेश के सीएम को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था उसको लेकर तस्वीर अब साफ हो चुकी है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जब उन्हें सीएम के नाम का ऐलान किया गया, उनके नाम पर मुहर लगी, उसके बाद बधाई का दौर शुरू हुआ और अब शपथ ग्रहण समारोह पर नजर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कल शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। साथ ही साथ ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जम्बूरी या फिर लाल परेड मैदान में यह समारोह हो सकता है। लेकिन फिलहाल आज जो एक बैठक होने वाली है उसमें मोहन यादव शामिल होंगे और सीएम बनने के बाद उनकी ये पहली बैठक होगी। तो देखिए बड़ी बैठक है, एजेंडा क्या कुछ होगा इस पर भी जानकारी पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ जुड़ के सीधा उनका रुख करेंगे। अमृतांशी देखिए 18वें सीएम के रूप में चेहरा साफ हो चुका है कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम होंगे। अब बात आती है शपथ ग्रहण समारोह की, ये कब होगा और साथ ही साथ आज जो बैठक होने वाली इसका क्या एजेंडा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब मध्य प्रदेश को उनका नया मुख्यमंत्री मिल चुका है तो कल भी देर रात तक मोहन यादव ने तमाम जो संगठन के बड़े नेता हैं जैसे कि शिव प्रकाश हो गए, हितानंद शर्मा हो गए, नरेंद्र सिंह तोमर से उन्होंने कल मुलाकात की, सीएस डीजीपी के साथ मीटिंग की और कल देर रात तक उनकी मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। संघ कार्यालय भी वो मुलाकात करने संघ के बड़े नेताओं से पहुंचे। अब देखिए आज जो है सुबह 11 बजे संभवतः बीजेपी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और तमाम जो संगठन के बड़े नेता हैं जैसे कि संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, सह संगठन राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, तमाम संगठन के बड़े नेता हैं इनके साथ मुख्यमंत्री नव निर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव एक बैठक कर सकते हैं। बैठक के एजेंडे की अगर हम बात करें तो क्या कुछ आगे की प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि अब देखिए नए मुख्यमंत्री मिल चुके हैं और कई अब देखिए चीजें भी आगे जो है बढ़ती जाएंगी तो किस तरीके से पूरा काम किया जाएगा इसको लेकर खासतौर से एक बैठक जो है वो आयोजित की जानी है। इसके अलावा कल जो है जो नए मुख्यमंत्री हैं वो शपथ ले सकते हैं। कल मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जा सकता है। कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी में तैयारियां जो है वो काफी जल्द से जल्द की जा रही हैं। तो संभवतः क्योंकि 15 तारीख के बाद जो है वो खरमास लग रहा है और बीजेपी काफी ज्यादा इनमें जो है मानती है तो इसी कारण से जो है 15 तारीख के पहले पहले शपथ जो है वो की जाएगी। कल शपथ की जा सकती है, उसके बाद जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा और इस बार ये भी बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जो है कई नए चेहरों को जगह भी दी जा सकती है। जी अमृताशी आज जो बैठक हो रही है क्या इसमें मंत्रियों के नामों पर भी चर्चा हो सकती है? बिल्कुल क्यों नहीं, देखिए संभव है क्योंकि अब देखिए जिम्मेदारी मोहन यादव के ऊपर बहुत बड़ी आ गई है और ऐसे में संगठन को भी साथ लेकर चलना, उसके बाद सरकार को भी ठीक से चलाना और शपथ ग्रहण समारोह भी है और देखिए कई मंत्री इस बार हारे हैं। एक बात ये भी है कि 12 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में जो ये मंत्री हारे हैं उनको जो है खास तौर से उनकी रिप्लेसमेंट कहाँ से लाई जाएगी, क्योंकि इस बार कई विधायक जीते हैं और शायद जो इस तरीके से बदलाव हुआ है मुख्यमंत्री के चेहरे में हो सकता है कि युवा नेतृत्व को इस बार जो है खासतौर से ज्यादा मौका दिया जाए। आज की बैठक अगर बैठक होती है तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो खासतौर से बैठक में शामिल होते हैं तो बैठक का एजेंडा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, तो बड़ी बैठक है, नजरें आप बनाए रखिएगा अमृताशी, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब बीजेपी की बड़ी बैठक होगी, देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद क्या कुछ तस्वीर सामने निकल कर आती है। एमपी में सीएम के